धनौली ग्राम सभा के जुनैदपुर ग्राम में, जो इलाहाबाद जिले में आता है, चमार जाति और पासी जाति के दलित लोग रहते हैं। इनकी बस्ती पर सामंत महेश नारायण सिंह ने 2 नवंबर की सुबह जानलेवा हमला बोल दिया और वहां पर दलित युवती को निर्वस्त करने का प्रयास किया। हमारे जो विधायक महेश नारायण ठाकुर हैं, ये कभी अपने आगे इन्होंने किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। जो भी खड़ा हुआ उसको लाठी डंडों से मार दिए। आज तक उनके खिलाफ में यानी कोई भी आदमी खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बार हमने कहा कि हमारा भी अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए, तो एकाएक हम तैयार हो गए। इतने के बावजूद बचाते बचाते हम लोग चुनाव हो गया, चुनाव हार भी गए। वो लोग क्यों मारने आए थे? आपका विधायक था कि वोट के बारे में भैया मारन है, हमारे बाप को मार के दम लार दिया, बेहोश कर दिया। मेरा घर पहले पड़ता है, इसलिए मेरे घर आके पहले बदतमीजी करने शुरू कर दिए। और वो लोग बोले कि जब हम कहीं आते जाते हैं तो मुझे कमेंट्स मारते हैं, धक्का दे के चले जाते हैं। उनके लड़के हैं, महेश सिंह के लड़के हैं, राहुल, पिंटू, रिंकू, सब लोग हैं जो गंदी गंदी बातें बोलते हैं और यहाँ ये सब करते हैं। बहुत लोगों को मारे मेरे यहाँ, सब किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। इस समय हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी, जो खुद भी दलित बिरादरी की हैं, उनके शासनकाल में इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो एक शर्मनाक है और हमारे पूरे शासन प्रशासन को चुनौती है। इस घटना को लेकर दलित बस्ती लोगों ने जलूस, धरना, प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी पर जिला प्रशासन की हिला हवाली मायावती जी के दलित विरोधी रूप को उजागर करता है। अरे दलित सरकार जरूर है, लेकिन कान बंद किए बैठी हुई है दलित सरकार। अपराधी आज भी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, रुपए की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर रुपए नहीं दिया तो पूरी दलित बस्ती का सफाया कर देंगे। इन दलितों की मांग है कि जिनके खिलाफ FIR लिखी गई है उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।